नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टी और पेपर रिव्यू के साथ अपन रेडी हैं। प्लीज 5 मिनट से ज्यादा मैं आपका नहीं लूंगा, बिकॉज आई नो आपका फोकस अभी फिलहाल नेक्स्ट पेपर के लिए है। सो पेपर वाज आई वुड से ऑन एन एवरेज पेपर, बहुत इजी भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि काफी सारी चीजें थी जो देखी भी थी। मैं एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस था इंस्टीट्यूट का, सो उसमें मार्क्स कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट देने में कंजूसी करती है। सो विल नॉट कॉल इट इजी, विल कॉल इट एवरेज। यस, 40 डेफिनेटली आ सकता है इस पेपर में। एग्जेम्पशन विल डिपेंड कि आपने थ्योरी पे ऊपर कितना अच्छा आपका कमांड है एंड हाउ वेल यू हैव सॉल्व दोस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो एज इट इज यू कैन से आपके मॉड्यूल में से थे या आपके देखे हुए क्वेश्चंस थे। तो जो क्वेश्चंस आपके एकदम देखे हुए थे वो आप बराबर से प्रैक्टिकली सॉल्व करके आए हो, एंड अगर थ्योरी आपने अच्छी तरह से मैनेज किया है यू विल डेफिनेटली स्कोर बिग। फटाफट मैं आपको एक बार रिव्यू करवा देता हूं। तो योर आर ऑल द चैप्टर्स जो इंस्टीट्यूट ने पूछा था, फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो एज इट इज चैप्टर टू चैप्टर उठा के पूछा। क्वेश्चन नंबर 1 जो केस स्टडी था दैट वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड दैट वाज फॉर 20 मार्क्स। देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि केस स्टडीज के ऊपर ज्यादा एकदम यू नो अननेसेसरी टेंशन मत लो, बिकॉज इंस्टीट्यूट करने क्या वाला है, पूछेगा केस स्टडी बट उसके जो सब क्वेश्चन है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही होंगे, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड अगेन विद एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये आपका पेपर है एंड यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 में से था। और अगर अब आप क्वेश्चंस को देखोगे ना, देन इन दैट केस दे वर टिपिकल थ्योरी क्वेश्चंस जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि लिस्ट द एरियाज जहां पे अपन एएमए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, 6 फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट, व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट कॉस्ट, ये सब आपके थ्योरेटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इनपुट आउटपुट एनालिसिस का क्वेश्चन था एक। सो ऑल ऑफ दिस कैन बी मैनेज अगर अपना थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगा तो, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे देन दैट वॉज फ्रॉम द चैप्टर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट एज इट इज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा। अगर आपने मेरा 2 महीने पहले मैंने जो रिविजन स्ट्रेटेजी दिया था ना उसमें मैंने बोला था कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज वेरी मच एक्सपेक्टेड एंड योर इट वॉज। सो आई एम हैप्पी के इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे एरियाज को एक्सपेरिमेंट कर रहा है विच रिक्वायर द अटेंशन। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 20 मार्क्स का था। बहुत अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन बिकॉज टिपिकल क्वेश्चन नहीं था एंड ऐसा कुछ क्वेश्चन था जहां पे यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन्स, आपको अपना ब्रेन्स अप्लाई करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने थे, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करना था। सो क्वेश्चन नंबर 2 हैट्स ऑफ टू आईसीआई, बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाला है एंड जिसने भी वो अटेम्प्ट किया है वेल डन। आई एम श्योर आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा यू वुड हैव अटेम्प्टेड इट वेरी वेल। फिर बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 3 वॉज एब्सोल्यूटली फ्रॉम चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग का कुछ क्वेश्चन था एंड ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन भी था। तो अगर अगेन आप देखोगे यहां पे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 वॉज 20 मार्क्स चैप्टर 9। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 1 फुल 20 मार्क्स चैप्टर नंबर 4 से, फिर क्वेश्चन नंबर 2 फुल 20 मार्क्स चैप्टर नंबर 2 से। सो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट ने बैठे बैठे एज इट इज चैप्टर टू चैप्टर उठाए हैं। सो इसके लिए मैं बोलता हूं कि हर एक चैप्टर बराबर से करके जाओ, यू नेवर नो कौन से चैप्टर की बारी आएगी एंड यू विल बी आस्क्ड मैक्सिमम मार्क्स इन दैट। सो ये एक अपना पैटर्न था। अगेन आप पैटर्न देखोगे तो थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्स था बॉस। जैसे चैप्टर नंबर 9 एज सच प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है बिकॉज इट हैज ट्रांसफर प्राइसिंग इन इट, बट इसमें भी 7 मार्क्स का उन्होंने अच्छा खासा थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी पूछा है। सो वॉज द केस हियर इन क्वेश्चन 2, 12 मार्क्स का उन्होंने थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी पूछा है। सो अगर आप मेरा एनालिसिस देखते हो देन इन दैट केस यू विल रियलाइज दैट 60% पेपर वॉज थ्योरी ओरिएंटेड। इसके लिए मैंने बोला पेपर वॉज एवरेज बिकॉज थ्योरी में कितना मार्क्स क्या मिलता है दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू हैव रिटन स्पेशली द टेक्निकल वर्ड्स जो मैं आपको बताते रहा था when we were doing the magic revision and practical marks was for 40%. So, ye 49 marks aapne agar isme se samajh lijiye around 30 marks properly solve kiya hai then you definitely stand a chance to score exemption and much better marks in the examination. Fir baad mein overall distributed tha, chapter 5 to khair deleted from the syllabus hai. Chapter number 6 mein se it was approximately 12.5 marks, chapter number 7 mein se approximately 7.5 marks, to wo log ne weighted rakha hai. As expected chapter number 8 mein ye bar bhi acha weightage diya hai unhone and 20 marks ka pucha, but ek institute ke taraf से गलती हो गई है, दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। एक तरफ शेयर होल्डर वैल्यू एडेड को उन्होंने डिलीट कर दिया एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग, मतलब कहां से, ये गलत है मेरे हिसाब से। आई विल राइट अ मेल स्पेसिफिकली फॉर यू कि ये शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड का जो 6 मार्क्स है ना इसके लिए आईसीएआई शुड गिव
फुल ग्रेस मार्क, क्योंकि आपने ये रिमूव कर दिया है अपने मॉड्यूल में से, और फिर आप ये 6 मार्क का पेपर, 6 मार्क का क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो? नाउ दिस इज अटर नॉनसेंस आई विल से। जो है आप उसको आप पूछ नहीं रहे हो, और जो नहीं है उसको आप पूछ रहे हो। यू नो ये यही प्रॉब्लम है, जब एग्जाम पेपर, जो एग्जाम बना रहा है ना, एग्जाम का क्वेश्चंस वो अलग होता है, एंड जिसके पास पूरा मॉड्यूल जिसने बनाया था वो अलग होता है। सो वो एक कहीं ना कहीं पेपर बनने के बाद जिसने मॉड्यूल बनाया है या जिसने मॉड्यूल में चेंजेस किया है, कुछ चीजें रिमूव किया, एटलीस्ट उसको तो रिव्यू करना चाहिए था। सो ही वुड हैव टोल्ड के बॉस, ये 6 मार्क्स का जो आपने पूछा है यहाँ पे, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है। देन व्हाई ऑन दिस अर्थ डू वी हैव दिस क्वेश्चन? 6 मार्क्स का फालतू का क्वेश्चन उन्होंने डाला है, उसके जगह कुछ और पूछ सकते थे ना वो लोग। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड पे ICAI शुड आइडियली गिव 6 ग्रेस मार्क्स टू द स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जैसा मैंने बोला, आज रात को या कल तक मैं ICAI को मेल करूंगा, लेट्स सी व्हाट इज द रिस्पांस दैट वी गेट। बट आई होप ICAI प्लीज आप ये गलतियां नॉट दोहराए एट सच अ हाई लेवल। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप ऐसी चीजें करें यार, बट ठीक है। एनीवेज केस, सो ये देख के थोड़ा मेरा मन खट्टा हो गया, बोला कि शुडंट हैव हैपेंड। नॉनदलेस चलो आगे बढ़ते हैं। तो शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड 6 मार्क्स पूछा है, व्हिच इज टोटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द सिलेबस, बट स्टिल आस्क। लेट्स एक्सपेक्ट कि इंस्टीट्यूट इसमें थोड़ा ग्रेसफुल होके अपने को एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देन फिर बाद में द रिमेनिंग क्वेश्चंस मिक्स मैच था, जैसा मैंने आपको बोला चैप्टर 6 था, चैप्टर 7 था, चैप्टर नंबर 12 जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें से इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नंबर 6B पूछा था, पूरा 10 मार्क्स। वेरिएंस एनालिसिस था, प्लान्ड ऑपरेशनल वेरिएंसेस के ऊपर एक एक्सपेक्टेड था। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 वर विदाउट एनी मार्क्स। सो 1, 10, 11 में से उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एक दो चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से इंस्टीट्यूट नहीं पूछता है, बट एनी केस वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से एवरेज पेपर should have been attempted well. जैसा मैंने बोला वो एक 6 मार्क का खाली इंस्टीट्यूट का गुफअप था, उसके लिए let's see how does institute pay back to you students. I expect full 6 marks for that. So बाकी इधर मैंने एक छोटा सा एनालिसिस बना के रखा है, ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, सो दैट यू नो इट। एक 4A का क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड कैसेन कॉस्टिंग, आई थिंक मैनेज हो सकता है इजीली अगर आपने थ्योरी बराबर किया होगा तो। चैप्टर नंबर 3 में से भी 15 मार्क का वेटेज था, तो जिसमें से आया है उसमें उन्होंने एवरेज 15 to 20 मार्क्स का, एक 8 to 20 मार्क्स का वेटेज रखा है। बाकी 1, 10, 11 में से कुछ पूछा ही नहीं, सो दैट्स एब्सोल्युटली ओके। अकॉर्डिंग टू मी द हाईलाइट ऑफ द पेपर वॉज क्वेश्चन नंबर 2। फैंटास्टिक क्वेश्चन, बहुत अच्छा, बहुत स्मार्टली ड्राफ्टेड क्वेश्चन था वो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यू विल बी एबल टू मैनेज दैट एज वेल। बाकी लीन सिस्टम ओई टीपीएम से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ओई जो था उसमें एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन, उसमें भी उन्होंने थ्योरी पूछा है, प्रैक्टिकल पूछा है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में एनपीओ वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क एंड अडॉप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड पे पूरा फोकस था यहाँ पे। अगेन नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच ऑफ वेटेज हियर, जब आपके पास ऑलरेडी बैलेंस स्कोर कार्ड, बिल्डिंग ब्लॉक मेथड, ये सब क्वेश्चंस अभी तक एक्सपेरिमेंट होने बाकी है। सो कहीं ना कहीं ये भी आना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बट एज आई सेड जो पेपर सेटर था कहीं ना कहीं ही हैज नॉट सीन द पास्ट पेपर्स, क्योंकि अगर उसने पास्ट पेपर्स देखा होगा तो यू वुड हैव नोन कि ये बॉस ऑलरेडी पूछ चुका है इंस्टीट्यूट पहले 20-20 मार्क के लिए, अब 10 मार्क का वेटेज इसको देने का जरूरत नहीं था। एनीवे ICAI नोज व्हाट इज टू बी डन द बेस्ट। फिर डिसीजन मेकिंग इजी क्वेश्चन था, प्राइसिंग डिसीजन के ऊपर ये क्वेश्चन था कि मिनिमम प्राइसिंग कब रखना चाहिए, इजी कीप और ड्रॉप था, एंड दैट्स हाउ द होल पेपर वाज। आई थिंक क्वेश्चन 6B में लिखना बोलिया, क्वेश्चन 6B वाज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैनेजेबल प्रीटी मच चैप्टर नंबर 12 से, एंड दैट्स हाउ द होल पेपर वर्क्स। फिर एक प्राइसिंग सेंसिटिविटी के ऊपर भी मैंने, अगर आपको याद हो तो बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा, एंड इट डिड कम फॉर 5 मार्क्स। सो एनीवेज दिस वाज अ क्विक पेपर रिव्यू फ्रॉम माय एंड। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। प्लीज अब आने वाले 3 पेपर के ऊपर फोकस कीजिए, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशंस। टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग। मिलते हैं जनवरी में विद अ लॉट ऑफ मिठाई एंड चॉकलेट्स दैट यू आर गोइंग टू सेंड मी आफ्टर द मार्क्स फ्रॉम दिस पेपर। टेक केयर, थैंक यू।